नमस्कार मित्रों, मैं एकांत शर्मा आज आपको जीवन शैली के विषय में बताऊंगा कि जीवन शैली क्या है। जीवन शैली का अर्थ है हमारा आहार, हमारा विहार और हमारे विचार। हमारे आहार में और हमारे विहार में और हमारे विचार में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा नकारात्मक परिवर्तन आया है। इस नकारात्मक परिवर्तन के कारण ही हम बीमार हैं। ये नकारात्मक परिवर्तन क्या है? आहार की जो स्थिति है उसमें लगा के आटा, रोटी, सब्जी और उसके बनाने के तरीके, उस सब में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आया है। विहार में हमारे उठने, बैठने, लेटने, घूमने, योग, योगी क्रियाएं, दौड़ने, खेलने, इस सब में एक बड़ा परिवर्तन आया है। इसी प्रकार से हमारा विचार, विचार पहले शुद्ध अधिक होते थे, अब विचारों में दोष आ गया है। पहले विचार सकारात्मक विचार होते थे, अब विचारों में नकारात्मकता अधिक आ गई है। पहले गुस्सा बहुत कम आता था, अब गुस्से की मात्रा बढ़ती जा रही है। रोड रेज उसी का एक परिणाम है। तो आहार में परिवर्तन हमारे होने के कारण, हमारे विहार में परिवर्तन होने के कारण हम रोगी हैं। हमारे विचारों में परिवर्तन होने के कारण हम रोगी हैं। आहार के स्तर पर क्या-क्या परिवर्तन आने चाहिए हमारे जीवन में, जिससे कि हम निरोगी और सुखी रह सके? विहार के स्तर पर क्या-क्या परिवर्तन हमारे भीतर होने चाहिए, जिससे कि हम सुखी हो सके, स्वस्थ हो सकें, और हमारे विचार में, विचारों में क्या-क्या परिवर्तन आए, जिससे कि हम आनंदित हो सकें, ये समझना पड़ेगा आपको। आहार में सबसे अधिक जो हानि करने वाली वस्तु हमारे पास वो होती है मैदा। मैदा का प्रयोग बहुत नुकसान करता है। मिर्च मसाले हो जाए और फ्राइड यदि हो जाए वो, तो वो हमारा फास्ट फूड बन जाता है, जो कि मनुष्य की आंतों के योग्य है ही नहीं, जिससे बहुत हानि होने की संभावना होती है। और यदि कंपनियां उसको पैक करती हैं अलग-अलग आकर्षक पैकिंग में और उसके अंदर कुछ केमिकल्स रूपी मसालों को डाल के तैयार करती हैं इस तरह के पदार्थों को, तो वो फास्ट फूड, वो हमारा आहार, वो हमें उसका आदि बना देता है उस आहार के प्रति। बस